पिछड़ी जात के बच्चे सामान्य कट ऑफ मेरिट में आते थे, उनको सामान्य में स्थान दे दिया जाता था, बचे शेष में आरक्षित कोटा से दिया जाता था उनको स्थान। अब ऐसा कर दिया गया कि कोर्ट ने कह दिया, भारत के संविधान में दिए गए अधिकार की व्याख्या करते हुए मैं कोर्ट पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने यह कर दिया कि 50% से कम, 50% के 15% के लोगों को 50% आरक्षित कर दिया और 85% के लोगों को 50% दे दिया। वह अमल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और विभाजन करके पिछड़ों के आरक्षण को समाप्त करने का इनका मंसूबा अपने आप में जाहिर होगा। नोटबंदी कि तीन राज्यों में भी लोग जो कह रहे हैं कि जनता ने हराया है, जनता तो अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रही है तो भाई जनता ही, राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी तो आपके माध्यम से हम जनता से अपील करने आए हैं, आपके माध्यम से हम जनता का ही अपील करने आए हैं, अपने साथियों को जनता के बीच में जाने के लिए कहने आए सकते तो कैसे जनता नहीं आगामी चुनावों के माध्यम से नेताजी और अपने जिले की इकाइयों का गठन नहीं हो पाया पूरा, इसके ऊपर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, जिले की इकाइयों का गठन नहीं हुआ अभी तक। अरे हम कर लेंगे, हम हो सकता है कि आज कर लिए हों तो उसकी भी सूचना दे देंगे आपको। हमारा सुन लीजिए, कल से क्या प्रभाव पड़ेगा नहीं, कल से हमारे नव विधानसभा में 10-10 टीम में लोग घूमेंगे इन्हीं पर्चों को लेकर, इन्हीं संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संदेश को लेकर। कल से, कल 11 बजे शुभ मुहूर्त है। अब काल्पनिक प्रश्नों पर, काल्पनिक प्रश्नों पर अपनी पीड़ा आप बताओ, अपनी पीड़ा बताओ, आप सुखी हो तो आप पीड़ा, काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर नहीं, किसी के अनुमान का कोई उत्तर नहीं, मान्यवर काल्पनिक कोई प्रश्न नहीं है, हम चुनाव सर पर आ चुका है, जिले के और शहर के कार्यकर्ताओं में ऑटोमेटिकली परेशानी हो रही है, इनका चुनाव क्यों नहीं हो रहा पूरा, नहीं कोई असहजता नहीं है, सभी नेतृत्व तो सभी, हमारा काम संचालित हो रहा है, संगठन का भी स्वरूप आ जाएगा। क्या मानते हैं कि जो आईएएस के ठिकानों पर छापा पड़ा है उसके बाद जो जांच की आंच है वो राष्ट्रीय तक पहुंच रही है, राजनीतिक साजिश है? अभी हम कुछ नहीं इसको कहना चाहेंगे, मैं कहना चाहता हूं कि यह तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी दुष्कर्म कर सकती है अपने को बचाए रखने के लिए, दुष्कर्म है मतलब कोई भी नहीं, फिर हाईकोर्ट के आदेश, अरे क्या क्या चीजें हो रही हैं, ये जांच तो हाईकोर्ट के आदेश, सीबीआई का क्या हाल है, सीबीआई खुद अपने भ्रष्टाचार में फंस गई, क्या हाल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, क्यों गवर्नर चले गए इस्तीफा देकर, कभी सोचिए इसको, जो हमारी संस्थाएं जिन पर देश के जन जन को विश्वास था, वो संस्थाएं क्या कर रही हैं, उनका क्या हाल किसने कर दिया, लोकतंत्र में कभी अपेक्षा की जाती थी वह जमा धनराशि जो किसी विशेष संकट के अवसर पर प्रयोग किया जा सकता है उसको सरकार मांग रही है काहे के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, किसानों का हित देने साधने के लिए, और फिर उद्योगपतियों को उन बैंकों से पैसा दिला करके, और जरा उन गंभीर बातों पर भी आप सोचिए कि जो हमारी उच्च स्तरीय संस्थाएं थी जिन पर हमारे देश के संविधान का दिया गया दायित्व तो बहुत बड़ा था, वो स्वतंत्र हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी विपक्षी दलों को से मिलकर एक बार देश को नया